क्या आपको पता है पेंसिल के ऊपर इस कोड का क्या मतलब होता है? आपको पता है एयरप्लेन में फाउंटेन पेन क्यों नहीं ले जा सकते? हम बंदर से विकसित होकर इंसान बने हैं, तो आज हमें बंदर क्यों दिखते हैं? बलगम निगल लेने से क्या होगा? विंटेज कपड़े इतने महंगे क्यों होते हैं? और 19वीं सदी के चालू किसान अलबामा की रेलवे ट्रैक पर नमक क्यों डालते थे? सबसे पहले 19वीं सदी में अलबामा के रेलवे ट्रैक पर नमक डालने पर मौत की सजा दी जाती थी। एक्चुअली उस समय अलबामा मवेशियों को घूमने के लिए खुली छूट देता था, और तब अमेरिका के किसानों की अकल भैंस से ज्यादा बड़ी थी। किसान बीमार गायों को नमक चटवाने के लिए पटरी पर ले आते थे, और जब कोई गाय ट्रेन की चपेट में आ जाती तो वो एक हेल्दी गाय की कीमत के लिए रेलवे पर मुकदमा कर देते थे। इसलिए इस घोटाले को रोकने के लिए सरकार ने ट्रैक पर नमक डालना बैन कर दिया, ताकि जानवरों को ट्रैक से दूर रखा जा सके। नेक्स्ट, अगर आपको किसी ने बताया है कि हम बंदर से विकसित होकर इंसान बने हैं, तो उसने आपका चूतिया काट दिया। एक्चुअली यूवल नोआ हरानी ने अपनी बुक द सेपियंस में बताया है कि हमारे पूर्वज एक थे, मतलब कि इंसानों की और बंदरों की उत्पत्ति एक माता पिता से हुई है, जो ना ही इंसान थे और ना ही बंदर। जैसे कि एक माता पिता के दो संतान थे, एक से विकसित होकर बंदरों की उत्पत्ति हुई और दूसरे से विकसित होकर इंसानों की। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग धरती का कलर पर्पल होना चाहिए था। एक्चुअली पहले के सूक्ष्म जीव सनलाइट को पचाने के लिए दूसरे केमिकल का यूज करते थे, जिससे उनका कलर पर्पल हो जाता था। लेकिन आज के सूक्ष्म जीव सनलाइट को पचाने के लिए क्लोरोफिल का यूज करते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण आज हमारी धरती हरी हो गई। और मैं बता दूं कि इसी के कारण पेड़ों के पत्ते हरे दिखते हैं। नेक्स्ट, हमने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी धरती का 71% पानी है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसान इसका सिर्फ 0.007% पानी ही यूज कर पाते हैं। एक्चुअली इस पूरे पानी का 2.5% ही पानी पीने लायक है, और इसका भी सिर्फ 1% पानी हमारे लिए एक्सेसिबल है। बाकी का 1.5% पानी ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। नेक्स्ट, आपको खांसी तो आया ही होगा, और खांसी के साथ बलगम भी, और कई बार हम बलगम निगल लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि बलगम निगल लेने से क्या होता है? एक्चुअली बलगम को निगलना सेफ है। पेट में जाने के बाद यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि इसे निगलने के बाद तो इन्फेक्शन का खतरा और कम जाता है। नेक्स्ट, विंटेज कपड़े इतने महंगे क्यों होते हैं? विंटेज कपड़े अच्छी क्वालिटी के नेचुरल फैब्रिक से बने होते हैं। उनकी कटिंग, सिलाई और फिनिशिंग आज के कपड़ों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। हर एक विंटेज कपड़ों की डिजाइन अलग होती है, और ये बहुत ही कम संख्या में बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ आप इन कपड़ों को सालों तक पहन सकते हो, इसीलिए विंटेज कपड़े इतने महंगे होते हैं। नेक्स्ट, प्लेन के अंदर फाउंटेन पेन लेकर क्यों नहीं जाना चाहिए? एक्चुअली प्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे एयर प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, जिससे पेन के इंक पर दबाव पड़ता है, और जिससे पॉसिबिलिटी है कि इंक लीक हो जाए। एक्चुअली प्लेन में फाउंटेन पेन लेकर जाना बैड नहीं है, आप ले जा सकते हो। नेक्स्ट, क्या पेट्रोल पंप के ऊपर अपनी गाड़ी के इंजन बंद करते हो? बंद करो। एक्चुअली इसके चांसेस तो है कि किसी कारणवश पेट्रोल नोजल से बाहर छिलक जाए, और अगर वो इंजन तक पहुंच जाए और इंजन में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो कार में आग पकड़ सकता है। एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ तो नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो इसे पूरा पेट्रोल पंप ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, आपने पेंसिल का यूज तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी पेंसिल पे HB2B2H और 9A जैसा कोड लिखा हुआ देखा है? एक्चुअली यह कोड पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के डार्कनेस के बारे में बताता है, जहां H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। स्टेशनरी की दुकान पे हम जो पेंसिल खरीदते हैं, उस पर HB लिखा होता है, जो ना ही ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा ब्लैक, जिसे एक मीडियम पेंसिल माना जाता है। जैसे जैसे हम HB से H की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेफाइट का कलर हल्का होता जाता है, और जैसे जैसे हम B की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेफाइट का कलर और डार्क होता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतने तरह की पेंसिल की क्या जरूरत है? एक्चुअली इसका इस्तेमाल स्केचिंग में होता है, जैसे फेस बनाने के लिए 2B वाली पेंसिल का इस्तेमाल होता है, और बाल बनाने के लिए 8B वाली पेंसिल का। नेक्स्ट, हिमालय हमारी धरती का सबसे बड़ा पहाड़ है, और एंडीज हमारी धरती का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर एक ऐसा भी पहाड़ है जो इन दोनों से काफी बड़ा है? द मिड ओशियन रेंज। अटलांटिक ओशियन में मौजूद यह माउंटेन दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, जो 65,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बट हमारी धरती पर होने के बावजूद हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इससे ज्यादा तो हम मरकरी और वीनस के बारे में जानते हैं। आपको पता है सड़क के किनारे स्लाइंस का क्या मतलब होता है? आपको पता है हम केले को उल्टा छीलते हैं? आपको पता है टूथपेस्ट खा लेंगे तो क्या होगा? और कार की स्टीयरिंग हमेशा साइड में ही क्यों होते हैं, बीच में क्यों नहीं होते? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो देखो यार।